टू माई चैनल माई मास किचन वन सेकेंड। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल यूनिक खिचड़ी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यूनिक इसलिए इसका स्वाद कुछ पूजा भोग जैसा बनता है। सिंपलेस्ट तरीका है, कोई फ्राइड नहीं है, हेल्दी है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। कभी कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी खाना बनानी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। सो लेट्स मूव टू माई मास किचन टू प्रिपेयर सिंपल खिचड़ी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें एक कप मूंग दाल ऐड करेंगे। मूंग दाल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ये तब तक हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक मूंग दाल में से एक अच्छा सा खुशबू ना निकले। इसके लिए करीब 3-4 मिनट लग जाता है। अब ये भुना हुआ मूंग दाल को हम एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर में मूंग दाल के साथ एक कप गोविंदभोग चावल भी ऐड करेंगे। जितना मूंग दाल उतना ही चावल लेंगे। दाल और चावल को हम करीब 20 मिनट के लिए सोख होने देंगे। अगर आपके पास गोविंदभोग चावल नहीं है तो आप किसी भी चावल के साथ ये खिचड़ी बना सकते हैं। अब हम कढ़ाई में करीब 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। अब हम एक फूल गोभी का कुछ फ्लोरेट्स करीब 1 कटोरी इस तरह काट करके रखे हैं। एक बड़ा सा फूल गोभी का 1/3 हिस्सा है ये। गोभी के साथ हम एक मीडियम साइज का आलू भी इस तरह क्यूब्स में कट के रखे हैं। तेल जब गर्म हो जाए तब तेल में हम 2 चुटकी हींग ऐड कर देंगे और इसके साथ करीब 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। 1 सूखा लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसका करीब 20 सेकेंड्स बाद हम गोभी का जो फ्लोरेट्स है वो भी ऐड कर देंगे। गोभी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गोभी से एक बहुत अच्छा खुशबू निकलेगा, तब तक हम गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी जब गोल्डन ब्राउन हो गया है तब हम आलू भी ऐड कर देंगे। अब हम 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। आलू और गोभी को करीब 3 मिनट्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तीन मिनट बाद 1/3 कप हम हरा मटर ऐड कर दिए हैं। इसे अब फिर से हम करीब 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को करीब 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये आलू गोभी जिसे हम फ्राई करके तैयार किए हैं इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई में करीब 1 कटोरी पानी डाल करके इसे धो करके प्रेशर कुकर में डाल देंगे। पानी का लेवल दाल चावल और आलू गोभी के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए पानी का लेवल नोटिस करें, आलू गोभी जो है वो बिल्कुल पानी के नीचे है। अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। याद रहे आलू गोभी में भी नमक है। 2 हरी मिर्च डाल देंगे फ्लेवर के लिए। आप प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 व्हिसल्स तक पकाएंगे। 2 व्हिसल्स में थोड़ा ज़्यादा गलेगा, 1 व्हिसल्स में कम गलेगा। 1 व्हिसल में भी ये खिचड़ी पक करके तैयार होगा। मैं आज 2 व्हिसल्स तक पकाऊंगी क्योंकि एक बुजुर्ग ये खाएंगे। व्हिसल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और प्रेशर को ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने तक वेट करेंगे। उसके बाद हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और ये देखिए खिचड़ी बन करके तैयार है।
आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच चीनी ऐड कर देंगे और इसके साथ एक छोटी चम्मच घी ऐड कर देंगे और करीब एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। चीनी ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। घी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छे से मिला दें। दोस्तों, ये सिंपल खिचड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। आप कभी भी इसे झटपट बना करके अचार, पापड़ या किसी भी करी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।